अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्ते। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजो ॻाल्हियूं में मां भावना राजपाल तव्हां सभिनी दर्शकनि जो हार्दिक स्वागत कयां थी। पेश आहे कुझु ताज़ा तरीन ॼाण असांजे अॼु जे सिंधी एपिसोड जी। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर पहिरें जे क्राइम ब्रांच पुलिस मांडूर जातीअ जे नांगनि जी तस्करी करण वारे हिकु शख़्स खे पकड़ियो आहे। उन हिकु नांग जी क़ीमत 15 लख रुपया ॿुधाई वञे थी। पेश आहे इन बारे में हिकु रिपोर्ट। उल्हासनगर में मांडूल सांप की स्मगलिंग करने की घटना फिर से एक बार सामने आई है। उल्हासनगर गुने अन्वेषण विभाग के पथक ने एक शख्स को गिरफ्तार कर 15 लाख रुपए कीमत के सांप को मुक्त किया है। ये शख्स टिटवाला का रहवासी बताया जा रहा है। इस शख्स से बरामद किए मांडूल सांप का वजन 2 किलो 14 ग्राम है और 15 लाख को इस सांप को बेचा गया था। कोर्ट ने इस आरोप में संबंधित शख्स को 5 दिन की पुलिस कस्टडी के आदेश दिए हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। उल्हासनगर में जे ओटी सेक्शन में लाइसा प्लास्टिक कंपनियों मां महानगर पालिका ए महाराष्ट्र पर्यावरण विभाग वारन सन्नी प्लास्टिक जो माल पकड़ियो आहे ऐं उन ते कार्रवाई करे उन खां दंड बि वरितो वियो आहे। या लाइसा प्लास्टिक नाम जी कंपनी आहे, उल्हासनगर 2 ओटी सेक्शन स्मशान भूमीच्या बाजूला हे कारखाना आहे आणि कारखाना चालू असताना दिसताना हा कारखाना प्लास्टिकचा पतला माल जे की बिलो 50 मायक्रॉनच्या खाली आणि याचा प्रकार कुठल्याही प्रकारचं महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रणाचं संमतीपत्र या कारखान्यानं घेतलेलं नाही, तर हे विदाऊट संमतीपत्राचा कारखाना चालू होता आणि चालू असताना पाहणी करून या कारखान्यामध्ये आम्ही महानगरपालिकेचे सर्व अधिकारी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी संयुक्त पाहणी केली आणि पाहणीच्या दरम्यान या कारखान्यामध्ये किमान 3000 किलो तरी माल प्लॅस्टिकचा पात्र माल आम्ही जप्त केलेला आहे। आता तो आपण महानगरपालिकेचा स्वाधीन करून हा माल पुढील प्रक्रियेसाठी आम्ही महानगरपालिकेला हस्तांतरित करत आहोत। हा कारखान्यावर पहिल्यांदाच कारवाई केलेली आहे, त्याच्यामुळे 5000 रुपयाचा दंड आकारण्यात आलेला आहे कारखान्याकडून। नाही, मशिनरी नाही, कारखान्याला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीनं आणि पर्यावरण कायद्याच्या वतीनं जे काय आपलं म्हणजे संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत जे काय कारवाई करता येईल ती कारवाई आम्ही करू। पॅकिंग मटेरियल आहे, आम्हाला कॅरी बॅग नाही आहे, पॅकिंग मटेरियल आम्ही बनवते। लगभग पॅकिंग मटेरियल बनाते होते, एमपीसीबी की परवानगी लेनी पड़ती है, उनका स्टैम्प छापना पड़ता है, उसका रजिस्टर नंबर डालना पड़ता है, आपने डाला नहीं उसके ऊपर? नहीं, डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई करने के लिए रेडी है, अब डॉक्यूमेंट दिया हुआ है सब। ये आप बल्ली किसको प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं? ये महाराष्ट्र पे जाता है थोड़ा बैंड। कितने साल से जी? कितने साल से पन्नी छपा? नहीं, अभी न्यू ही कारखाना चालू किया है। ये आपको मालूम नहीं? नहीं, अभी मशीन चल लिया है, अभी न्यू ही कारखाना चालू है हमारा। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। नेहरू चौक एराजी के सभी व्यापारी भावरों की घुर हुई तो बिजली जो तारूँ अंडरग्राउंड करायू वन। आमदार ज्योति कालाणी ए उतां के चैनी नगर सेवकन के कोशिशन से यो कम शुरू थो है। इन जो पर्यो चरण पूरा थो। इन उद्घाटनी मुहूर्त से नगर जहा सभी मुदबर उते मौजूद हुआ। मुझे ये कहना है कि जैसे पूरे देश के अंदर देश के जो पंत प्रधान है हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो एक एक गाँव तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक उसी कड़ी में उल्हासनगर की महापौर और उल्हासनगर की हमारे महिला आमदार जो है बहन अपनी मेरी बेटी पंचम कलाणी और बहन ज्योति कलाणी, ठीक उसी
बात को जो है उन्होंने ध्यान में रख के आज उल्लासनगर के अंदर जैसे मेट्रोपोलिटन सिटीज़ में जो वायरिंग होती है अंडरग्राउंड होती है, ओवरहेड वायर्स नहीं होती है, ठीक उसी तर्ज पे जो है उल्लासनगर में अंडरग्राउंड वायरिंग का काम जो है महापौर रामदार के प्रयासों से शुरू हुआ है और आज उसका पहला चरण कंप्लीट हुआ है, जिसमें गजानंद मार्केट और उसका पीछे का पूरा परिसर आता है और बाकी भी ऐसे जो है अपना तीन जो है ऐसे और इंस्टॉलमेंट्स हैं जिसमें जो है बाकी पूरी एरिया को कवर करने की कोशिश की जाएगी। अल्टीमेटली इनका ध्येय यह है महापौर का और रामदार का कि पूरा शहर जो है ये ओवरहेड वायरों से मुक्त हो जाए और पूरे शहर के अंदर अंडरग्राउंड वायरिंग हो जाए जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है। मैं आमदार के और महापौर के प्रयासों का जो है और राजेश वदड़ा जो हमारे एक्टिव यहाँ के कारपोरेटर हैं, राजेश टेकचंदानी हैं, अशोक ठाकुर जी हैं, अपने दीपक छतलानी जी हैं, इनके जितने भी सहयोगी हमारे गजानंद मार्केट के जो व्यापारीगण हैं, व्यापारी समूह जो आया है आज, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि इनकी कोशिशें जो है उन कोशिशों को आज पहला जो है परिणाम आया है। आगे भी तीन चार इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो है ये पूरा दो नंबर से सिरू चौक एरिया एक नंबर और तीन नंबर तक ये जो है काफ़ी अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी और इस शहर को जो है बहुत बड़ा एक रिलीफ मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने शहरवासियों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभेच्छाएँ देना चाहूँगी। भगवान शंकर की आराधना हम करते हैं, सोमवार को महाशिवरात्रि है और साथ में आज जो हम यहाँ पे खड़े हैं ये जो गजानंद मार्केट में और उनके पूरे परिसर में जहाँ पे भी ओवरहेड जो तारें थी उनकी वजह से हमारे इस एरिया को बहुत खतरा था क्योंकि बिजनेस हब है गजानंद मार्केट और वहाँ पे तारें लटकती थी, तो उसे देखते हुए कपड़े की मार्केट है और एक ज़रा सी चिंगारी भी क्या कर सकती है आप सभी समझ सकते हैं, तो इसकी प्राथमिकता को देखते हुए मैंने सरकार से मांग की थी कि ये जो यहाँ पे जो अंडरग्राउंड केबलिंग हुई वायर अंडरग्राउंड हुई तो उसको मान्यता देते हुए 2 करोड़ रुपया मुझे मंजूरों के मिला था और उसके तहत आज ये काम जो शुरू हुआ है, पहले टप्पे का काम पूरा हुआ है। ऐसे ट्रांसफार्मर 3 और भी हैं और भी शहर की बहुत सारी एरियाज हैं जहाँ पे ये जो ऊपर जो वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाएगा। मुझे बताते हुए और भी अच्छा लग रहा है कि सरकार ने जो जो हमने डिमांड्स की है वो सरकार ने जो हमको दी है। कल हम लोगों ने वालदोनी एरिया में शांतिनगर में जो ब्रिज है उसके भी मैंने 3 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे। पिछली बजट में जो सप्लीमेंट्री बजट होती है उसमें मैंने 3 करोड़ उसमें प्रावधान रखाया था और कल हम लोग उसका भी उद्घाटन करके आए हैं। हमारे शहर को जल्द से जल्द डीसी रूल दिए जाएँ और क्लस्टर जो है हम लोगों ने डिमांड की है कि उसकी जो एरिया है हमारे शहर की डायस को देखते हुए छोटा कर दिया जाए और मालकाना हक दिया जाए और भी बहुत सारे मुद्दे जो हैं, डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा है और भी बहुत सारे मुद्दे अभी भी मैंने रखे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डीसी रूल जो है वो बहुत जल्द से जल्द सरकार हमें दे देगी क्योंकि तैयारी जो है बिल्कुल पूरी हो चुकी है। नेहरू चौक वारे एराजी में बिजली जो तारूं अंडरग्राउंड करण जो कम शुरू थे है, इन लाइ असा उतां जे नगर सेवकन सा मुलाकात कई से। ये जो काम जो पहला फेस आज पूरा हुआ है वो हमारे दोस्त राजेश टेकचंदानी, अशोक ठाकुर और कुमारी साहब और मैंने हम सब लोगों ने मिलकर आमदार के पास ये निवेदन दिया था कि हमारे पास भी ये अंडरग्राउंड केबलिंग का काम होना चाहिए, जिन्होंने हमारी बात से सहमत होके ये MSEB और मंत्रालय तक ये मुद्दा उठाया था जिससे हमको वो प्रोजेक्ट सेंक्शन होके मिला और आज उसका एक फेस पूरा हुआ है, आगे दूसरा फेस होगा और बहुत जल्द पूरे शहर में ये अंडरग्राउंड केबल हो जाएगी ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे आमदार भाभी जी ज्योति कालानी जी को, जिनके कथित प्रयासों से आज ये अंडरग्राउंड केबल का जो काम है वो पूरा हुआ है और ये बहुत ज़रूरी काम था और इसमें जो हमारे भाई राजेश वद्रा जी ने, राजेश टेकचंदानी जी ने और बाकी व्यापारी लोगों ने जो साथ दिया है मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और ये बिल्कुल ज़रूरी काम था और रेखा ठाकुर ने भी काफ़ी कोशिशें की ये काम पूरा कराने के लिए और सब ने सहकार दिया, धन्यवाद।
पप्पू कालानी के ज़माने से ये प्रयास हो रहा था कि मार्केट एरिया में जो मुंबई के तर्ज पर और पूरे महाराष्ट्र में जो बड़े शहरों में अंडरग्राउंड केबल है, तो हमारा जो मार्केट है वो पूरा वार्ड में कपड़ा मार्केट होने के वजह से हमेशा ये संशय था कि कभी भी दुर्घटना घटती है, आग लगती है, तो उसमें इन ओपन केबल्स का बहुत बड़ा रोल रहता है, शॉर्ट सर्किट का बहुत बड़ा रोल रहता है, या ट्रांसफार्मर लटकते रहते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो पप्पू कालानी के ज़माने से ये प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन वो जो प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट की थी वो आमदार ज्योति भाभी ने वो उसको कंक्लूड किया, और हमारे कार्यकाल में हमने भी काफ़ी कोशिशें की, भाभी जी के पूरे कोशिशों से वहाँ महाराष्ट्र शासन ने पास करके दिया 2 करोड़ रुपये का फंड, और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और बड़ी खुशी हो रही है कि सबसे पहला काम हमारे वार्ड में हुआ, कपड़ा बाज़ार में हुआ, और ये व्यापारियों का जो मसला था वो अभी हल हुआ है। मैं कालानी परिवार को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ और सभी व्यापारियों को बधाई देता हूँ। थैंक यू। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। वेझराई में MMRDA द्वारा एक मीटिंग रखी वही हुई, जिते नगर की महापौर पंचम कालानी भी मौजूद हुई ए उन CM खां गुर कई त वाशी खां जेका मेट्रो ट्रेन बदलापुर डां वेंदी उनके उल्हासनगर स्टेशन भी एक स्टॉप एक हाल्ट डिनो वने। CM उन जी इहा गुर मनी आहे। अचो त इन बारे में वधीक बुधूं था महापौर पंचम कालानी खां। सबसे पहले तो मैं शहर के दो बहुत बड़ी हमारी जो अचीवमेंट्स है उसके लिए बताना चाहूँगी आपको। हम लोगों के शहर में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एक फर्स्ट फेज आ रहा है जिसमें अराउंड 1450 घर बन रहे हैं, जिन जिन को कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान मिलेंगे, उसमें से अराउंड 350 घर मुकुंद नगर में बनेंगे जो कैंप नंबर 1 में है, और दूसरे अराउंड 750,000 से घर ऊपर संतोष नगर में बनेंगे जो विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के पीछे हैं। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, जो हम सिर्फ TV में देखते थे प्रधानमंत्री आवास योजना, वो आज हमारे शहर में भी आ चुकी है। दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़, थोड़े दिन पहले मेरी MMRDA की मीटिंग थी जिसमें CM सर जो करते हैं मीटिंग, तो उनमें हम लोग ने लास्ट टाइम डिमांड रखी थी, हमारी आमदार मैडम ने भी बहुत सारे लेटर्स भेजे थे, मेट्रो क्योंकि हर जगह आ रही है सिर्फ और सिर्फ उल्हासनगर और अमरनाथ छोड़ के, तो हमने ये डिमांड रखी थी कि जहाँ कल्याण तक आ रही है और बहुत सारे रूट्स बन रहे हैं तो हमारे शहर के लिए भी मेट्रो होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा वो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया था और कांजूरमार्ग से बदलापुर का जो रूट है वो वाया उल्हासनगर लिया गया है। तो मैं इसके लिए भी आप सबको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी। हम लोग जितने भी काम हमसे हो सके, बड़े छोटे, हम सब करने की कोशिश करें। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। नेताजी प्रभाग समिति के सामूँ रस्तो खराब हो, उते खड़ा खुबा हुआ जिते डांबरीकरण कयो वियो आहे, पर इहो जल्द ही वापस खुली रहियो आहे, यानी इहो रस्तो चंगी तरह से न ठाहियो वियो आहे। पेश आहे इन बारे में एक रिपोर्ट। इस समय मैं उल्हासनगर के प्रसिद्ध नेताजी चौक परिसर में हूँ। एक तरफ आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे उल्हासनगर महानगर पालिका की प्रभाग समिति है और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि शौचालय है। यदि बात करेंगे तो दोनों ही जगहों पर, एक जगह पर यदि बात करेंगे तो नागरिकों ने गंदगी फैला रखी है, और महानगर पालिका की प्रभाग समिति की बात करें तो भ्रष्टाचार ने गंदगी फैला रखी है। अब आते हैं मुद्दे में। हमने आपको बताया था कि कई शहर के इलाकों के रास्ते ख़राब हैं और उल्हासनगर कैंप क्रमांक 4 के ठीक प्रभाग समिति के सामने के रास्ता जो कि भाटिया चौक तक जाता है, इसकी भी परिस्थिति ख़राब है। खबर चलने के बाद इसका असर देखने को मिला, लेकिन असर के साथ साथ फिर वही महानगर पालिका की लापरवाही देखने को मिली कि डांबर के ऊपर जो है ग्रिड डाल दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है सही तरीके का काम किया जाए वो नहीं किया गया है। और बहरहाल परिस्थिति कुछ इस प्रकार से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि फिर से जो है 3 से 2 दिनों में जो है ये ग्रिड निकल जाएगी डांबर के साथ, और फिर से यहाँ पर गड्ढे होंगे, नागरिकों की जो है दुर्घटनाओं में जाने भी जाएगी, गंभीर रूप से घायल भी होंगे। बघा कसं केलं डांबर नाही डांबर बिलकुल नाही बघा ना समजी खडी बाहेर। बहरहाल अब देखना यह है कि उल्हासनगर महानगर पालिका और सत्ता में बैठी प्रशासन जो कि ये बात करती है कि शहर को एक विकसित शहर बनाया जाएगा, तो देखना है कि इस भ्रष्टाचार को रोक कर वो किस प्रकार से शहर में विकास के कार्य कर पाएंगे। कैमरा पर्सन सोनू सिंधे के साथ कुणाल कपूर, कोणार्क न्यूज। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। महानगर पालिका के PRO युवराज बदानी के
बकाया टैक्स वसूली करण जो कम दिनो वियो आहे ऐं इहो कम मिलण सां ई हुन पंहिंजो कम शुरू कयो आहे ऐं केतिरनि ई हंधनि तां काफ़ी टैक्स हुन वसूल कई आहे उन्हनि ते कार्रवाई कई आहे इन बारे में वधीक ॿुधाए रहियो आहे पाण युवराज बदाने आपल्या वृत्तवाणीच्या माध्यमातून मला असं सांगू असं वाटतं की मान्य आयुक्त महोदय श्रीयुत अच्युत हांगे साहेब यांनी माझ्याकडे मालमत्ता कर म्हणजे टॅक्स विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था कर याची जी थकबाकी पेंडिंग आहे त्याचा कार्यभार सोपवलेला आहे त्या अनुषंगाने मी आज कार्यभार स्वीकारला 1 तारखेला आज आणि आज पहिली जी कार्यवाही होती ती धडक अभय योजनेमध्ये काही लोकांनी म्हणजे बऱ्याचशा लोकांनी म्हणजे बरे पैसे भरलेले आहेत मालमत्ताधारकांनी परंतु युनियन बँक वगैरे असे बरेच मोठे मोठे लोक आहेत की ज्या व्यक्तींनी मालमत्ता कर भरला नाही तर 5 नंबरमधील युनियन बँकचे जे जी जागा भाड्याने दिले त्या मालक ओनर श्री मनोज कुमार यांनी जवळजवळ 30 ते 32 लाख रुपये यांच्याकडे पेंडिंग होते नवजीवन बँकेकडे तर त्या ठिकाणून आज जाऊन मी प्रत्यक्ष धडाडीची एक कार्यवाही करून वारंट अधिशोध जप्ती अधिपत्र हे सगळं करून जप्तीची कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली मग त्या कार्यवाहीच्या भीतीपोटी संबंधितांनी जवळपास 1.5 लाखाचा आणि दुसऱ्या याच्याकडनं 1.25 लाख असं 50 लाखापर्यंत आजची धनादेशच्या स्वरूपात वसुलीकडे झालेली आहे तर यापुढे ही कारवाई अशीच चालू राहणार आहे हो 100% कारण की हा मार्च महिना आहे उल्हासनगर शहरातील काही नागरिकांना किंवा मालमत्ताधारकांना व फायनान्शियल वर्षाच्या शेवटीच मालमत्ता कर भरण्याची सवय झाली परंतु सदर ही सवय चुकीची आहे कारण की यामुळे त्यांचंही नुकसान आहे महापालिकेचं नुकसान आहे त्यांनाही शास्ती लागते म्हणजे दंड लागतो तर अगोदरच जसे 6-6 महिन्याच्या 2 टप्प्यामध्ये बिले मिळतात त्या त्यावेळेला पहिल्याच टप्प्यात मालमत्ताधारकांनी मालमत्ता कार्यवाही म्हणजे टॅग कर भरला पाहिजे असं नाही केलं तर मग आम्ही आमचे जे अधिकृत प्रोसिजर आहे वॉरंट काढणे मालमत्तेची जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची जप्ती करणे मग ती मुएबल इनडायरेक्टली म्हणजे इंग्लिशमध्ये सांगायला गेलं तर मुएबल अनमुएबल प्रॉपर्टी असेल ते नियमाप्रमाणे त्याची जप्ती करणे आणि त्याच्यानंतर पुढील जी काही कार्यवाही होईल ही महापालिकेकडनं करण्यात येईल त्यामध्ये सर्व सन्माननीय पदाधिकारी आणि आमचे वरिष्ठ यांचा मला सहकार्य आहे आणि यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यवाही करण्यात येईल सर उल्हासनगर महानगरपालिकेने 100 कोटीचं लक्ष आतापर्यंत कधीही पूर्ण केलेलं नाही आणि तुम्ही आता पदभार घेतलेला आहे 70 कोटी झालेले आहेत एका महिन्यामध्ये तुम्ही ते 100 कोटी नाही असं नाही मी मागच्या 2-1.5 वर्षापूर्वी पण होतो त्या काळात पण मध्ये मी 7 महिने होतो तरी त्या काळामध्ये जवळजवळ आम्ही 96 कोटीपर्यंत गेलो होतो तर 100 कोटी त्यावेळेला तर फक्त एकदाच 15 का 20 दिवसाची ही लागली होती आपले अभय योजना पण ह्या काळात 2 अभय योजना लागली जवळजवळ 40 दिवस त्यामुळे ह्यावेळेला अशी अपेक्षा आहे की सहज 100 कोटी पार होती कोणार्क अपना शहर अपनी बातें नेताजी चौक ते ड्रेनेज सिस्टम जी समस्या आहे जॾहिं इहो भरिजी वञे थो त इन मां पाणी ॿाहिरि निकिरे थो ऐं केतिरनि ई दिशाउनि में चौंक ते यानी सभिनी रस्तनि ते इहो वहे थो पेश आहे इन बारे में हिकु ख़बर आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा आप शहर के किसी भी इलाके में जाएंगे तो स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम के चलते शहर की सभी दीवारों में जो है लोगों को संदेश देने के लिए नागरिकों को जागरूक रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम के तहत काफ़ी जो है डिज़ाइन बनाई गई है इस पर महात्मा गांधी जी की भी कई स्लोगन्स लिखे हुए हैं कई उनकी बातें लिखी हुई है प्लास्टिक की बंदी के ऊपर भी जो है सारे संदेश दिए गए हैं लेकिन जिस प्रकार से महानगर पालिका ने पूरे शहर भर पर इन दीवारों में जो कि खर्चा किया है इन सभी चीज़ों के ऊपर यदि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ के जिस प्रकार से वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत कहता है शहर में नागरिकों को कि मेरी जिम्मेदारी मेरा शहर तो महानगर पालिका खुद पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझे हम आपको बता दें कि देखिए ठीक यहां पर जो है स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम के चलते काफी संदेश लिखे हुए हैं वहीं पर इस ये जो चौकअप आप देख रहे हैं जो आप ड्रेनेज आप देख रहे हैं ये शाम के समय करीबन 6 बजे से यहां पर पूरी तरीके से ओवरफ्लो होता है और ये चौक है उल्लासनगर का नेताजी चौक और ये नेताजी चौक से लेकर उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 पे बने हुए प्रमुख चौक तक ये पूरा पानी जाता है यानी कि 1 किलोमीटर तक इस ड्रेनेज का पानी रोज शाम को यहाँ पे बहता है बहरहाल महानगर पालिका की ये तस्वीरें कई दिनों से यहाँ पे सामने हैं लेकिन किसी भी प्रकार की जो है यहाँ पर इस समस्या को ख़त्म करने के लिए महानगर पालिका कोशिश नहीं कर रहा बहरहाल जिस प्रकार से लाखों रुपये जो कि दीवारों में आपने पोतने पर खर्च किए यदि आप उस शहर में खुद की जिम्मेदारी समझ के करेंगे तो शहर में विकास नज़र आएगा
कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। साधुबेला गर्ल्स कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल जे पारा मिसिस गौरी महादक जे स्वागत में एक कार्यक्रम रखियो वयो। दिसू था कुछ झलकियों। बच्चों को मेरा एक लड़का है, उसको आर्मी में या एयरफोर्स में या तो नेवी में 100% भेजने का ट्राई करूंगा और देश सेवा मैंने नहीं किया तो उसको डायरेक्ट की सेवा है और देश सेवा करने के लिए उनको मैं भेजूंगा और आपका ट्रेनिंग सफल रहे और फ्यूचर में आपको भगवान बड़ी उम्र दे। मैडम हम वुमन पावर एम्पावरमेंट, वुमन क्या है, अपने गर्ल्स अपनी जो इंडिया की लेडीज है कहीं पे भी पीछे नहीं है, एक एग्जांपल हमारे बच्चों को आपको सामने रखे, आपको सामने लाके आपके जो इंस्पायरेशन है वो बच्चों में 100% आएगा और हमारे बच्चे भी आगे ऐसा कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। शिवरात्रि जे मौके ते कृष्णा भगत परिवार जे पारा नेत्रहीनन में अनाज विरहायो वयो। जय श्री कृष्ण। नव वृंदावन धाम ट्रस्ट की तरफ से शिवरात्रि के शुभ मौके पर नेत्रहीन सुरदास लोगों की अन्न दान की सेवा रखी गई है राधे श्याम सुंदर मंदिर में। ये सब कृष्ण की कृपा से भगवान हमसे करा रहे हैं, इसलिए आप सबको बधाई हो। हम यहाँ सब सेवा में जितने भी ट्रस्टी और जो अपने सेवा कर रहे हैं कुछ धन तन मन से, मैं तो ये कहता हूँ राधा कृष्ण की हमेशा के लिए उनको आशीर्वाद है और आप सब भक्तों के लिए सेवा में हाजिर हैं, ये हमारा भाग्य है, ये हमारा भाग्य है जो हमको सेवा करने का, हम सब ट्रस्टी लोगों का, जगदीश फादवा के और ग्रुप और अपने जितने भी वासुलाल सेठ, किशोर सेठ और भी हमारे धर्मू सेठ जितने भी हैं, दिलीप अपने पुजारी जितने भी सेवा यहाँ करते हैं तन मन धन से, जो शरीर से होता है हम राधे कृष्ण के लिए स्टार्ट से लेके एंड तक हम सेवा करते रहेंगे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जे पारा उल्लासनगर चौथे जे सेक्शन बटी में मुफ्त आरोग्य कैंप रखी वही जिते केतरन मानन इन कैंप जो फायदो वरतो। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना उल्लासनगर शहराच्या वतीने आज मराठा विभाग 32 गुलमोर नगर गजान नगर इथे भक्ती अपार्टमेंटच्या समोर आम्ही हा मेडिकल मोफत मेडिकल कॅम्पचं आयोजन केलेलं आहे। तर ह्या मोफत मेडिकल कॅम्पमध्ये मोफत ECG, मोफत मधुमेह चेकअप आणि मोफत रक्तदाब सगळं चेकिंग मोफत ठेवलेलं आहे आणि जिथे काय डिडक्ट होतील तर जे काय हे झालं तर त्यांना हे करण्या मोफत शस्त्रक्रिया करण्यासाठी प्लॅटिनम हॉस्पिटलमार्फत त्यांचं मोफत शस्त्रक्रिया केली जाईल। आज शहरात अनेक गोरगरीब जनता असते त्यांना माहिती नसतं की कुठे काय अशा सुविधा उपलब्ध होतात, म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि प्लॅटिनियम हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने आम्ही या शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे की जेणेकरून जनतेला कळलं पाहिजे की ह्या सगळ्या सुविधा हे असे हॉस्पिटल ते मोफत देतात, म्हणून तुमचे एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, बायपास सर्जरी असे काही असतील तर प्लॅटिनियम हॉस्पिटलमार्फत मोफत केले जाईल याची सर्व नागरिकांनी नोंद घ्यावी। आतापर्यंत कमीत कमी 100 पेशंटची नोंदणी झालेली आहे आणि त्यांचे ECG पण झालेलं आहे आणि फ्री चेकअप म्हणजे डायबिटीज चेकअप पण झालेलं आहे। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। हे गाइस, दिस इज मेघना घाग, वेलकम टू द ऑल न्यू एपिसोड ऑफ ब्यूटी सीक्रेट्स।
आज मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगी कि आपको आपके डार्क लिप्स ब्राइटन कैसे बनाने हैं, बल्कि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कंप्लीट लिप थेरेपी। गाइज, ये लिप थेरेपी कंप्लीटली नेचुरल है। ये लिप थेरेपी बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून क्रश शुगर, 1/4 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1/2 टेबलस्पून हनी और थोड़ा सा लेमन जूस। फिर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर ले और इस मिक्सचर को एक ग्लास कंटेनर में स्टोर कर ले। ये स्क्रब यूज करने से पहले सबसे पहले तो अपने लिप्स को अच्छे से वॉश कर ले। फिर इस स्क्रब से कम 4 से 5 मिनट तक अपने लिप्स को सर्कुलर मोशन में मसाज कर ले। ये स्क्रब आपके क्रैक्ड लिप्स को ट्रीट कर आपके लिप्स को मॉइस्चराइज रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ लिप्स एजिंग को ट्रीट कर आपके डिसकलरेशन की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करता है। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी मजेदार और उतने ही इफेक्टिव ब्यूटी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ब्यूटी सीक्रेट्स। और उसी के साथ साथ आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल मंच टीवी। बाय बाय। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। कोणार्क लेटेस्ट न्यूज़ ए अपडेट्स दिसण जे लाए यूट्यूब ते मंच टीवी जे चैनल के सब्सक्राइब ए लाइक जरूर कयो। तहते असां अज जो ही सिंधी एपिसोड पूरो कयूं था। वरी तवां सां मिलंदासीं कुछ नई ए ताज़ा तरीन ॼाण सां तवां जे पंहिंजे प्यारे चैनल कोणार्क अपना शहर अपनी बातें, यानी पंहिंजो शहर ऐं पंहिंजूं ॻाल्हियूं में। तेसि ताईं असांखे इजाज़त ॾींदा। धन्यवाद।